हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ नीलाक्षी कलिता और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वाइन कंटेंट फैक्ट्री में। गाइस, मैं जा रही हूँ शूट पे। कल शूट है सुबह गुम है किसी के प्यार में उस शो का, तो उस पे मैं आ रही हूँ और मैं आपको बिहाइंड द सीन्स दिखाने की कोशिश करूँगी। अभी थोड़ी बहुत पैकिंग वगैरह चल रही है तो तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कल सुबह ही निकलना है। तो चलिए आप भी मेरे साथ देखिए बिहाइंड द सीन्स, और शो आप सबको बहुत पसंद है, मुझे भी काफ़ी पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाने के लिए, इन सबसे मिलने के लिए, शूट करने के लिए। चलिए, सो गाइस आई एम रेडी। मैं अभी निकलने वाली हूँ, 7 बजे है, थोड़ी देर में मैं निकलूँगी, आपसे मिलते हैं फिल्म सिटी में। मैं आ गई हूँ सेट पे एंड दिस इज माय मेकअप। ये हालत ख़राब है, रास्ता इतना ख़राब था आते वक्त, यहाँ पे बाप रे। मेकअप होगा उसके बाद आपसे मिलेंगे। या आई एम रेडी, मेकअप हो गया, कपड़े हो गए, स्क्रिप्ट भी आ गई, अभी वो बुलाएंगे थोड़ी देर में, तो आई गो एंड उसके बाद शूट करते हैं। दिस इज माय एंटायर लुक, थोड़ा पास से दिखाती हूँ। यहाँ मेकअप काफ़ी सिंपल किया हम लोगों ने, हेयर भी, विच आई एम लाइकिंग। तो चलिए अभी शूट पे जाते हैं। उसके बाद हमने शूट किया, अंदर कुछ भी शूट करना अलाउड नहीं था व्लॉग के लिए, तो हमने फ़ोटो खिंचाए किशोरी जी के साथ, शीतल जी के साथ, आयशा जी के साथ। अभी वक्त हो गया था लंच का, तो यहाँ पे मेरी लंच की थाली है। तो शूट हो चुका है, पैकअप हो चुका है, हमने खाना भी खा लिया था, आपको दिखाया मैंने लास्ट सीन में। उसके बाद हमने मतलब कुछ शूट भी किया, वो क्योंकि नहीं दिखा सकते, आपको दिखेगा जब टेलीकास्ट होगा। तो अभी पैकअप हो चुका है, अभी हम घर जाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी क्योंकि हम शूट तो नहीं कर पाए। हम मिले किशोरी जी से, फिर जो सही है लीड है उनसे मिले, तो सबके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। वो काफ़ी उन्होंने अच्छे से हमसे बातें की, फ़ोटोज़ भी खिंचाए जो हम आपको आपने देखा होगा। तो सबसे बात करके अच्छा लगा, वो जो पूरी टीम थी, क्योंकि एक जो जब शो होता है तो हम सिर्फ एक्टर्स को देखते हैं, बट पूरी टीम की मेहनत होती है, तो पूरी टीम काफ़ी अच्छे से, और होली का सीक्वेंस था तो सब मज़े कर रहे थे, सबने होली का भी बहुत इन्जॉय किया, नाच वाच रहे थे, तो काफ़ी अच्छा था माहौल और हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया और सबसे बातें की, काफ़ी अच्छा लगा। जो पूरी टीम के लोग थे, प्रोडक्शन के लोग थे, उन सबसे भी बातें की, वो सारे बहुत ही कोऑपरेटिव थे, सबने काफ़ी अच्छे से हमें शॉट लेने में मदद की। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था, फिल्म सिटी में शूट करने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और कल होली है, मेरी पहली होली है मुंबई में, तो वो देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं। कल हम सेलिब्रेट करेंगे, होलिका दहन भी देखेंगे और आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली गाइस। सो आज हो गया है नेक्स्ट डे, कल आपने देखा होगा नीलाक्षी शूट पे गई थी और उसके बाद नीलाक्षी घर पे आ गई, उसने कुछ शूट नहीं किया एंड आज नेक्स्ट डे है, तो आज होली है, मतलब होली का दहन है। सो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशा करते हैं कि ये जो त्यौहार है हम सबकी जिंदगी में खुशियां लेके आएगा। सो अभी हम जाएंगे, मेरे और नीलाक्षी हम दोनों के यहाँ पे होली ऑब्वियसली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे यहाँ पे हम होली कैसे मनाते हैं और बाकी चीज दिखाते हैं मुंबई में हम कैसे होली सेलिब्रेट करते हैं। नीलाक्षी का भी फर्स्ट टाइम होगा यहाँ पे होली में, तो देखते हैं नीलाक्षी को भी कैसे लगता है यहाँ पे होली मना के। तो चलिए जाते हैं होली का दहन पे, चलिए। आ गया वो घर पे वापस होली का दहन से, एंड आपने देखा ही होगा सपने की कितना अच्छा लगा मुझे और सबने, मैं एंजॉय भी किया बहुत ज़्यादा। सो बहुत मज़ा आया और अच्छा लगा हम सबको। सो इसके बाद आप नीलाक्षी के यहाँ पे जाइए, नीलाक्षी भी ऑब्वियसली होली मना रही है, तो आप नीलाक्षी के यहाँ पे जाइए और देखिए नीलाक्षी अपनी पहली होली सबके साथ कैसे सेलिब्रेट कर रही है। चलिए, आपको ऐसे बताया होगा कि आज एक्चुअली होलिका दहन है, तो हमारी सोसाइटी में भी होलिका दहन हो रही है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारी सोसाइटी में जो होलिका दहन हो रही है, मुंबई में पहली बार मैं होली मनाऊंगी, तो आई एम रियली एक्साइटेड। और ऐसे हम जैसे बिहू में मेजी हम कहते हैं, मेजी जो हम जलाते हैं वैसा ही बनाया है होलिका में। हमारे यहाँ पे होली में ऐसा कुछ नहीं करते, हम बस रंगों से खेलते हैं। तो चलिए देखते हैं, आई थिंक मुझे अच्छा लगेगा। Thank you.
तो गाइज आज हो गया नेक्स्ट डे और मैं आई हूँ यश के घर. आज बहुत दिनों के बाद हमारे व्लॉग में आपको कौन दिखेगी? दिखेगी हाँ, रुको. मुग्धा परब, हेलो. कैसे रही तुम्हारी होली, होलिका दहन और होली? होलिका दहन तो कल हो चुका, आज मैं यहाँ आ गई हूँ सबको रंग लगाने. तो अभी कैसी रही मुग्धा तुम्हारी होली? बहुत दिन से हम लोग ऐसे बोल रहे थे हमें मिलना है, मिलना है. मैं भी ये सब कोरम मिलेंगे, विव्याना मिलेंगे, हुआ ही नहीं, बिल्कुल वर्क नहीं हुआ. तो और गाइस पता है हम लोग बता ही रहे आपको कि हम कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं. तो मैं और लक्ष्य भी इतने बिजी हो है उस सब चीजों में ना, मतलब नहीं हो पाते चीजें वर्कआउट. बट आपके लिए कर रहे हैं हम जो भी कर रहे हैं, तो आई होप आपको अच्छा लगे एंड जल्दी आपको पता चलेगा कि हम क्या प्लान कर रहे हैं. सो कुछ हिंट दे दे मुग्धा, तुमको क्या लगता है? मुग्धा हिंट दे, तुमने बताया नहीं? नहीं बताया है अभी तक, ऑब्वियसली कैसे. वैसे भी हर चीज बताते ही नहीं, बिना बताए बहुत कुछ कर देते हैं. तो आप देख लीजिए अभी जो कुछ भी होगा. तो कुछ हिंट तुम क्या लगता है, हिंट कुछ दे. हिंट क्या दे अभी? हिंट यही देना चाहूंगी मैं कि जो लोग एक्टिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत कुछ पिटारा लेके आ रहे हैं. एक्टर्स को जो मतलब बेसिकली हेल्प होने वाली है, जो लोग एक्ट्रेस बनना चाहते हैं खास करके उन लोगों के लिए ये दोनों बहुत कुछ कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं. So, acting में जो आना चाहते हैं फिर actors जो है basically उनको help हो सकता है. और हम लोग actors बनना चाहते हैं. हम casting नहीं शुरू करें, please हमें profile मत भेजिए. वो तो हो गया है, हम बताएंगे आपको guys इसके बाद कुछ हम live वगैरह हम आने का सोच रहे हैं. और वो video please देखिएगा जरूर. शुरू से एंड तक, क्योंकि वो पूरी जो कुछ भी वो ये दोनों करना चाहते हैं आपको मदद, उसके लिए आपको वो समझना बहुत जरूरी है कि ये एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं दोनों. क्योंकि हमें तभी बहुत सारे क्वेरीज आए और वो क्वेरीज इतने मतलब जरूरत ही नहीं थी उन क्वेरीज की, ऐसी क्वेरीज मतलब उससे रिलेटेड था ही नहीं चीजें. तो आप जरूर वो वीडियो देखिए, जब भी आएगा वो हमारे चैनल पे हम आपको बताएंगे. और हम लाइव वगैरह भी मतलब सोच रहे हैं, कुछ कुछ चीजें चल रही है हमारे दिमाग में, तो आप जरूर देखिए वो. और फिलहाल अभी हमारा सब हमने बातें की कुछ कुछ, अच्छा लगा हमें मिलके. और अभी देखेंगे हम और कुछ टाइम बात करेंगे और फिर हम आपसे मिलते हैं. चलिए हम जा रहे हैं कुछ खाना खाने के लिए, भूख लगी हम सबको, बातें वगैरह हो गई, सब अच्छे से गपशप कर लिया हमने और अभी हम जाते हैं कुछ खाने के लिए. क्या खा रही है मुग्धा? पिज्जा. पिज्जा और तुम? लस्सी पी रही हूँ. लस्सी? कौन सी लस्सी? क्या पता? पी रही हो कि खा रही हो? लस्सी को क्या बोलते हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं? खाना बोलते हैं लक्ष्य इसको. और ये देखो ये एंजॉय कर रही है आज उसका पिज्जा और रंग लगा लिया है. होली के दिन भी उसको पिज्जा ही खाना है. होली के दिन वो पिज्जा ही खाती है. मीठा खाने का होता है मुग्धा? मीठा खाने में पकी हूं और मीठा नहीं. थोड़े बहुत हमने रंग भी लगा लिए हैं और अच्छा लग रहा है. भूख लगी थी बहुत ज़्यादा तो हमने खा लिया. लक्ष्य अभी भी खा रही है उसका लस्सी. मन नहीं भरा तुम्हारा लस्सी से? मीठा मीठा खाना होता है ना होली में, ठंडा ही पीते हैं वगैरह. हम लोग में पूरन पोली बनाते हैं होली के टाइम पे. होली को पूरन पोली बनाते हैं. गुजिया नहीं बनाते? नहीं, पूरन पोली बनाते. तो या खाना वगैरह हो गया सब. वापस कलर लगाने की प्रक्रिया जारी चल रही है क्योंकि हमने शूट नहीं किया था. इतना बड़ा फॉरहेड है, ये लोग लगा ही नहीं पा रहे, पूरा खाली छोड़ दिया. अच्छा ओके, ऐसे क्या हो गया? अभी मुग्धा को भी लगाना बाकी है. हैप्पी होली. ये मुझे बोली क्या पता है, मैं व्हाइट पहन के ही होली के लिए तो फिर इस्तेमाल करना. व्हाइट तो नहीं लग सिर्फ कर रहा है, मैंने नहीं करा. ये क्या, ये व्हाइट नहीं है, अभी पिंक हो गया. यस, सक्सेसफुल. चलो तो हमारी होली हो गई है, आप सबको भी हैप्पी होली. यहाँ से यहाँ रुको रुको मिनट, यहाँ से भी हम होली आपको विश कर देते हैं. और नीलाक्षी की तरफ से, वाइन कॉर्नेट फैक्ट्री की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली. सो गाइज आज हो गया नेक्स्ट डे और कल हम घर चले गए रंग वंग लगाने के बाद. कुछ हमने कुछ किया नहीं शूट. और नीलाक्षी कैसा था तुम्हारा होली का दहन का एक्सपीरियंस मुंबई में इस बार पहली बार? काफी अच्छा था एक्चुअली. ये मैंने पहली बार देखा होली का दहन, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता नहीं. हमारे यहाँ पे मतलब अलग चीजें होती है. तो होली का दहन का पूरा जो सोसाइटी में देखा मैंने, तो वहाँ पे ऐसे मतलब होली का दहन नहीं होता? नहीं होता. तो वहाँ पे क्या होता है मतलब? वहाँ पे नॉर्मल होली 5 दिन का, वो हमारे गांव में 5 दिन का होली होता है. अलग अलग चीजें होती है, होली का दहन नहीं होती. अच्छा. तो बिहू के टाइम पे वो अलग होता है, वो जो हम मेजी वगैरह जलाते हैं वो अलग होता है. ऐसा ही होता है होली का दहन जैसा, बट वो बिहू के टाइम पे होता है. ओके ओके ओके, नाइस नाइस, अच्छी बात. मतलब
अलग कुछ तुमने एक्सपीरियंस किया इस बार, चलो अच्छा है। सो बहुत अच्छा लगा, मजा आया, और आई होप हम ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाए आपको, बट आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा थ्रू दिस वक्त जितना हमने एंजॉय किया है। और जो चीजें चल रही है, जैसे मुग्धा ने भी आपको कहा कि एक्टर्स के लिए हम कुछ लेके आ रहे हैं, वो तो जल्दी आपको पता चलेगा, प्रोबेबली अप्रैल महीने में, चलो आपको बता देते हैं कि अप्रैल में आएगा, तो कुछ ही दिन बाकी है अभी बस। उसके बाद ये भी नई चीज जिसमें हम सब बिजी है वो आपको पता चलेगी, सो प्लीज हमें उसमें भी आप सपोर्ट कीजिएगा, और आपकी गुड विशेस हमारे हमारे पास है ही, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। अगर आपको ये पिछले दो दिन का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल YN कंटेंट फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे जल्दी हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू सो मच, बाय बाय।